एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल चौपाटी पर। मेरा नाम है पामियर। वेलकम बैक टू अपने लॉस सैंटोस की खतरनाक वाली दुनिया। और खिड़की के सामने वाला व्यू मैं क्या ही बताऊं ब्रो, मैं एक्चुअली सोच रहा हूं और मैं रॉकस्टार वालों को एकदम से दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सामने अगर कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल पे आती है तो मेरे को बताओ ब्रो, मेरे को वाइनवुड के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है यार। एक काम करते हैं, पहले वाइनवुड का एरिया चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक्चुअली प्रॉपर्टी लेने लायक है कि नहीं। और ये मेरा दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा भाई, क्या कर रहा है यार। दरवाजा खोलने के लिए नूबड़े बंदे ने यहाँ पर फोन निकाल के रखी हुई है। तो एंटर द गैरेज, और गैरेज से ज्यादा है ब्रो। आपको तो पता है गाइस कि मेरे पास लॉस सैंटोस के अंदर 15-20 गैरेज होंगे, 15 लाख इजी 15-20 गैरेज है। और हर एक गैरेज के अंदर खचा खच गाड़ियां भरी हुई है, ये देख लो पूरा गैरेज भरा हुआ है। बट इसी गैरेज के अंदर गाइस मेरे 2 गैरेज और हैं, तो अगर मैं फटाफट से बाहर निकलूं, ओके अभी अंदर घुसते ये भी कंफर्म हो जाएगा। ये क्या है, पक्का लोग मेरे गैरेज के अंदर घुसा होगा और सारी चीजें लेके भाग गया मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, हम आज गेम खेल रहे हैं GTA 5 के अंदर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर एनवायरमेंट की देखरेख करनी है। छोटा इंजन लेके जाएंगे, नॉर्मली गाइस GTA 5 के अंदर हम बड़े बड़े इंजन लेके पीछे हो जाओ तेरी। मैं आगे आया ही कब था भाई, पहले मेरे को ये देख, बंदा तेरी तरफ देख रहा है, सोच रहा कि कौन से नूबड़े गेम के अंदर तेरी। मेरा शीशा तोड़ दिया यार आपने, क्या कर रहे हो? तूने बंदा तोड़ दिया, मेरी गाड़ी तोड़ दी और मेरे को भी तोड़ दिया। और क्या रहा है, हेलो ये कौन सा ड्रामा है? चोबू बंदा नाटक कर रहा है मेरे सामने भाई, एक्सरसाइजिंग करके उठ रहा है भाई, वो कॉम्पेंसेशन भाई, कॉम्पेंसेशन क्लेम करने की सोच रहा था मेरे ऊपर। देख तेरे को पता है लॉगी, आज हम जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली गेम खेल रहे हैं, तेरे को ये हैवी गाड़ी निकाल के लेके आना, सख्त मना है। अभी देखो मैं आपको मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी मैं स्नैप करूंगा मेरी गाड़ी गायब हो जाएगी। ये मेरे को गायब करने वाला, अगर मैं गायब हुआ और मेरे को कुछ हुआ तो भाई मैंने कनपट्टी तेरे नाक के अंदर लगा कर रखी है। लोग हेडशॉट लेते हैं, मैं पर्सन नाक शॉट लूंगा। ले मैजिक नहीं है वो, तेरी गाड़ी भाई अपने आप जा चुकी है यहाँ पर, मैजिक नहीं है। चल अपने आप कैसे जाती है भाई, अपना मैजिक ट्रिक है भाई। यहाँ पर पैसे 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 पैसे, हट जा, किधर है किधर है, 18 रुपए लेके घूम रहा पागल। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे को पता लगा GTA 5 के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है। तो काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लेजेंडरी के अंदर नहीं, वॉचडॉग के अंदर भी नई चीज आकर रखी हुई है। अरे ये देखो पुलिस की गाड़ियां लेकर रखी है भाई साहब, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। ओ माय गॉड भाई, इसी की बात कर रहा था ब्रो, ये तो लेजिट BMW i8 लग रही है। और प्राइस देखो नियरली 1.9 मिलियन की गाड़ी है यार ये। तो काम करते हैं बिना भाई, मैं तो गाड़ी की स्पेक्स मेरे को चेक नहीं करनी, ठीक है? और देखो ब्रेकिंग को ज्यादा ही लो है इसकी। बट एनीवेज मैं हमेशा की तरह ये गाड़ी मंगाऊंगा अपने व्हाइट वाले कलर में। सिर्फ 2 सेकंड वेट करते हैं और 2 सेकंड के अंदर अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी और मैं आपको दिखाऊंगा। लगे तो देख रहे ना आज, हाँ देख रहा हूँ भाई साहब। आज मैं देखना चाहता हूँ कि अब देख कौन सी गाड़ी i8 के नाम के ऊपर मंगा के रखी हुई है। अब मेरे को ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है कि उसको गाड़ी को चार्ज करना है या उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलेगा, आई डोंट नो। तो वो तो अभी गाड़ी आने के बाद ही पता लगेगा ना। और ये देखो गाइस शाम भी हो चुकी है, तो एक काम करते हैं जब तक गाड़ी आती है ना तब तक मैं लॉगे को ठोकता हूँ। अभी इधर आओ पीछे, मैं आपको ठोकने के लिए क्या लेकर आया हूँ। ओ भाई यार ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये भाग रहे है। हेलो, हाँ देख रहा है सबको ठोकने वाला इस गाड़ी के साथ। ये देखो ये समझदार बंदे हैं, समझ रहे हो, समझदार बंदे हैं ये, इनको एक्चुअली जाना हो। क्या कर रहा भाई तू, व्हाट इज दिस यार, क्या अभी ये देखना चपाती भाई जरा इधर, क्या मैं देख रहा हूँ, वो तेरी ट्रक उड़ा के लेके जा रहा भाई पागल बंदा। तो यार ये GTA 5 के बंदे जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली गेम खेल रहे हैं, नॉर्मली ड्राइव करके जाते हैं लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना पैदल जाया जाए यार। देखो इधर मेरी नई गाड़ी आ चुकी है, तभी तेरे को दिखाता हूँ अपनी नई गाड़ी, ठीक है ना? ठीक है दिखाओ दिखाओ। तो काम करते हैं फटाफट से, मेरे को यहाँ पर अपने चोमू मैकेनिक को फोन करना जो कि कभी टाइम पे गाड़ी डिलीवर करता भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरा बहुत, वो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, सॉरी यार मुझे लगा यार NPC था लेकिन ऑनलाइन। अगर उसने मेरे को बोला ना कुछ तो भाई तू गया, मैं तेरे को बता रहा हूँ ब्रो, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरे को ये पता, ये रही मेरी नई ब्रांड लियो टू क्लोज, ये पर्सनल लेकर लगे मेरी गाड़ी फोड़ी है, इधर है भाई सामने गाड़ी? खड़ी है वो, सामने खड़ी मेरी गाड़ी फोड़ना, वो देख सामने खड़ी यहाँ पर। Let's go, आज हम यहाँ पर चपाती भाई की गाड़ी को उड़ाएंगे। अबे उससे पहले कि वो तेरे को उड़ा ले मेरी गाड़ी फोड़ना, क्या कर रहा है यार तू भाई? कौन सी, अच्छा ये चोमू सी गाड़ी, ये चोमू गाड़ी नहीं बोलने का भाई, खतरनाक वाली गाड़ी है एनवायरमेंटल। मैं तो इसके ऊपर भाई स्पेशली उतर के इसके ऊपर बॉम्ब फेंक के आऊंगा। अबे जल्दी कर, मैं पहली बार गाइस अपनी गाड़ी फोड़वाने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। अबे पागल बंदे क्या कर रहा है, मैंने तो कुछ थोड़ी किया था यार, ये क्या पागल बंदे यार, दूसरे बंदे को मारी जा रहे हैं यार, गेम खेलने दो मेरे को, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तेरे चक्कर में मेरे को लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, चलो आप अपनी गाड़ी मंगाओ। यो मेरी गाड़ी आ चुकी है भाई, और ये देखो वाइस सिटी का सनसेट लग रहा भाई GTA 5 के अंदर। और ओ माय गॉड गाइस, इस गाड़ी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो यार, क्या ही मस्त गाड़ी लग रही है बिल्कुल। एट द से तेरी पागल बंदे,
चिट्टी गाड़ी के अंदर ठोकरा शर्म नहीं आ रही तेरे को? बड़ा न्यूज़ गाइस, ये रही मेरी गाड़ी एकदम BMW i8 लग रही है। देख रहा अभी तेरे पीछे बहुत ज्यादा क्या भाई, हेलो क्या हो ये सामने सर जी, वो डॉन ट्रेटो वाली गाड़ी के अंदर से सारा फोड़ रहे हैं। अबे क्या कीड़े पड़ गए उसको, देखा भाई वो, देखो ये देखो एक्शन मार रहा डिलीवरी डार्ट पागल। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से गाइस, इनके पंगों में मेरे को पड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले जाना मेरे को यहाँ पर लॉस सैंटोस कस्टम, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी जो है फुल ई कस्टमाइज करने। चपाती भाई आ जाओ जरा, देखते हैं कि आपकी गाड़ी लेजर प्रूफ है या नहीं। नहीं रहने दे भाई, मेरी गाड़ी के सामने मत आइयो, या तो तू जाएगा या तो मेरी गाड़ी जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली लेजर वाला टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, कल को अगर एलियन का इन्वेजन हो गया तो क्या करोगे भाई आप? तेरे ट्रक के अंदर से लेजर निकलती है? निकलती है भाई, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ यार मेरे को चेकआउट करने के। यार ऐसी कौन सी लेजर से ट्रक के अंदर डाल कर रखी है? ओके वो वहाँ से आ रहा था, मैं काम करता हूँ। भाई तेरे पीछे बहुत सारे मामे पड़े हुए हैं, ओ भाई डैमेज ले रहा हूँ ब्रो, व्हाट इज दिस यार, ये जलते हैं भाई अपनी तरक्की से, मैं कसम से बता रहा हूँ गाइस। गाड़ी ली नहीं, कोई NPC मार रहा है, फिर लॉगी मार रहा है, कोई पुलिस मार रही है, भाई सारे अपन को ही तंग कर रहे हैं। बट एनीवेज इनके पंगों में ही पड़ते, इनके पंगे जो है मैं बता रहा हूँ लॉस सैंटोस के अंदर कभी खत्म होने वाले ही नहीं है। तो काम करते हैं, मेरे को जाना है फटाफट से लॉस सैंटोस कस्टम, जो कि आई बिलीव पड़ता है इस तरफ। और पूरी रात में बता रहा हूँ गाइस, पूरी रात ना मेरे को यहाँ पर गाड़ी मॉडिफाई करनी है, और सुबह जब मैं निकलूंगा ना तो भाई फर्स्ट सूरज की किरण के अंदर ये गाड़ी क्या दिखने वाली है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे को ही पता है। और ठीक ऑन द राइट हैंड साइड पड़ता है अपना, क्या पड़ता है ये राइट हैंड साइड पे, लॉस सैंटोस कस्टम। और ये मैप के अंदर इतने सारे कॉइन्स कैसे आ चुके हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? अरे भाई वो गेम में इवेंट चल रहा है भाई, जिससे सबसे ज्यादा कॉइन्स उठाए वही जीतेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके, कॉइन के चक्करों में नहीं पड़ते, क्योंकि मेरे को ये गाड़ी का नाम नोबिता i8 है यार ये। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, सबसे पहले मेरे को गाड़ी रिपेयर करनी है। एंड भाई आते ही कस्टमाइजेशन शुरू ब्रो, मेरे को याद है कि सबसे पहला ऑप्शन होता है आर्मर का, लेकिन यहाँ पर आर्मर का ऑप्शन है वो है दूसरे नंबर पे। ओके आर्मर जाएगा सबसे पहले 100% भाई, मेरे को पंगों में पड़ना ही नहीं है। और ब्रेक भी वन सेकेंड चाहिए एकदम से रेस वाली, क्योंकि जैसी ब्रेक दबाई गाड़ी उसी समय रुकनी चाहिए। और अभी आ रही है ब्रोज इसकी द फ्रंट बंपर, और ये वाला बहुत मस्त लग रहा है यार, हालांकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है लेकिन लगा लेते हैं। और भाई ये क्या, ये गाड़ी के ऊपर इन लोगों ने नकली मूछ लगा दिया यार, तो मेरे को ये नकली वाली मूछ, अच्छा सारी सेम ही है, व्हाट इज दिस यार, इससे अच्छा तो यार ये सारे डिफॉल्ट ही तो हैं। आई ये तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर एग्जॉस्ट का ऑप्शन देकर रखा हुआ है, व्हाट इज दिस, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सिंगल एग्जॉस्ट है और काफी ज्यादा लंबा, तो काम करता है फटाफट से मैं ये लगा लेता हूँ। और अगर मैं ये वाला देखूँ तो ये भी एक्चुअली बढ़िया लग रहा है। ओके एक्सप्लोसिव नहीं लगाने, ग्रिल के बारे में बात करें तो यार ये कस्टमाइजेशन जो है मैं बता रहा हूँ गाइस सही नहीं हो रही अपनी यार, कुछ सेटिंग नहीं बैठ रही ब्रो, हैवी गाड़ी लगनी चाहिए अपन की। बट देन अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं चोमू टाइप, लो लेवल टाइप होती हैं, तो एक काम करते हैं फिलहाल जो मिल रहा है उसी से गुजारा कर लेते हैं। और अगर मैं हॉर्न की तरफ देखूं तो सबसे पहले जाएगा अपना स्टैंडर्ड क्लाउन वाला हॉर्न, उसके बाद आता है अपनी लाइट्स, सबसे पहले मेरे को लगानी है नियॉन पूरी फ्रंट बैक नीचे आगे पीछे वाली कलर। उसके बाद अगर मैं कलर के बारे में बात करूं, ओके ये थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी है, तो उसके ऊपर मैं ग्रीन लगाऊंगा। और अगर मैं वापस हेडलाइट की तरफ देखूं तो उसके ऊपर जाएंगी जियोन लाइट्स। हाय एकदम खतरनाक गाड़ी के ऊपर ये जो चमकी चमकती है ना भाई, एकदम से फील आती है यहाँ पर। और अभी आ रही है गाइस अपना मेन फंडा, वो है लिवरी। ओके ये कैसी, अरे यार ये वाली तो कुछ ज्यादा ही, अरे वो मोस्ट वांटेड वाली BMW की लिवरी लग रही है ये तो। ऐसे यार गाड़ी तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली हैवी ड्राइवर तो अपन ही है गेम के अंदर। बताता हूँ तेरे को मैं हैवी ड्राइवर, ये देखो कूड़े के डब्बे फेंक दिए इन लोगों ने गाड़ी के ऊपर, बोलते हैं लिवरी है। ये देखो ऊपर ऊपर लिटरली माइनक्राफ्ट का स्केलेटन बना हुआ है। अगर मैं नीचे आकर देखूं तो लिवरी के अंदर गाइस कुछ मजा नहीं आ रहा मेरे को, तो ये वाली थोड़ी बहुत मेरे को ज्यादा बेहतर लग रही है, तो एक काम करते हैं ये लगा लेते हैं, थोड़ी बहुत इससे गाड़ी जो है भरी भरी हो जाएगी। और लॉस प्रोटेक्शन मेरे को इसके ऊपर नहीं लगानी। मिरर्स के बारे में बात करें तो ये वाली लगा लेते हैं, ये बढ़िया लग रही है। रीस्प्रे, वो भाई साहब क्रोम के अंदर तो क्या गाड़ी लग रही है। ओके क्रोम मेरे को नहीं लगाना, और अगर मैं क्लासिक के अंदर, नहीं क्लासिक के अंदर नहीं, इसके ऊपर लगाएंगे मेटालिक कलर। ओ भाई ग्रीन देख रहे हो क्या, एकदम से फॉर्मूला 1 की गाड़ी पर लग रही है यार। मुझे तो ब्लैक वाला बहुत ज्यादा पसंद आया यहाँ पे। ओके लाल तो कुछ ज्यादा ही चमकदार है। गाइस आप लोगों ने ना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि मैं कौन सा कलर यहाँ पर लगाऊं। ओ माय गॉड ये लो कितना मस्त लग रहा है यार। अरे ये तो एकदम से मेरे को बुगाटी, ओ भाई साहब ये बेस्ट लग रहा है यार। मैं हर एक कलर यहाँ पर पाए कर रहा हूँ, लेकिन मैं भूल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक ही कलर अलाउड है। ओके सो फार येलो यहाँ पर एकदम से बेस्ट था,
तो बेसिकली मैंने एक कलर दो बारी लेके रखा हुआ। मैन डिजास्टर चल रहा है यहाँ पर। तो भाई अंदर से भी कस्टमाइजेशन हो रही है, तो अंदर से मैं लगाऊंगा स्टोन वाला कलर। तो अगर मैं बाकी ऑप्शन देखूं तो यार डिफॉल्ट ही बेस्ट है यार। लेकिन चलो एक काम करते हैं, काली रूफ इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैचिंग करने वाली है। बेचते मेरे को गाड़ी नहीं है। और अभी आ रही है स्कर्ट्स की बारी। कुछ भी नहीं है यार, ये वही पैसे ले रहे हैं यार मेरे से, तो लूटा जा रहा है मेरे को सारे यहाँ। पंजे लगाने के 20,000 ले रहे हैं। और इलेक्ट्रिक, भाई साहब इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर कौन सा स्पॉइलर होता है यार? ये जीटी विंग्स ब्रो, ये एक्चुअली बढ़िया है। तो काम करते हैं, मैं जीटी विंग्स यहाँ पर लगा लेता हूँ। जीटी विंग्स मार्क 2 लगाएंगे हम दो यहाँ पे। पैसा आप होता भाई, टेंशन लिया मेरे को पैसे की। थोड़े बहुत मैं गाड़ी के सस्पेंशन भी थोड़े बहुत हल्के से लो कर लेता हूँ। और इसके ऊपर लगाएंगे हम स्ट्रीट वाला ट्रांसमिशन। टर्बो के बारे में कैसे भूल सकता हूँ मैं। उसके बाद आएंगे अपने व्हील्स, टायर, टायर डिजाइन हो भी सकता हूँ भाई। उसके लिए कस्टम टायर लेने पड़ते हैं। अरे मैं तो लूंगा कस्टम वाले टायर। एंड वंस अगेन अपना टायर स्मोक होगा ग्रीन वाला। और अगर मैं एक बारी क्विकली टायर के ऊपर जाके देखूं और इसके ऊपर मैं लगाऊं स्ट्रीट वाले टायर। अरे स्पोर्ट वाले लगाने चाहिए जबादी भाई। अरे आइडिया तेरा बुरा। ओ माय गॉड, ये तो मेरे रियल लाइफ वाले टायर लग रहे हैं मेरे को यार। सही है यार। ओके अभी इसके ऊपर लगाएंगे टायर डिजाइन। कस्टमाइज कहां किया, ये डिफॉल्ट वाले हैं। अच्छा डिफॉल्ट वाले हैं, व्हाट, दफा करो यार, मेरे को टायर के बारे में जानना ही नहीं है। ओके विंडो अपनी जाएंगे पूरी काली, ताकि अमीर बंदे गाड़ी के अंदर दिखने नहीं चाहिए। एंड अगर मैं अभी बाहर निकलूं तो, और ये देख मेरी गाड़ी, देख रहा है भाई? देख रहा हूँ यार, आपने तो बड़ी जबरदस्त गाड़ी बना के रखी हुई है यहाँ पे। तो बंदा भी तो देख ले किसने गाड़ी बना के रखी। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही यार, ये इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों के अंदर इतना खतरनाक वाला इंजन इन लोगों ने कैसे डाल के रखा हुआ था? अगर मैं हल्की सी डब्ल्यू दबा के देखूं तो एकदम से भाई एकदम व्रूम व्रूम वाली आवाज आ रही है यहाँ पर। तो जरा मैं यहाँ पर गाड़ी चेक करता हूँ, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एकदम से बढ़िया वाला शीशा लगा के रखा हुआ है। अगर मैं सामने देखूं तो स्नो स्क्रेपर भी लगा के रखा हुआ है। नाइस, ओ तेरी गाड़ी क्या मस्त लग रही है यार, देख रहे हो ना, एकदम से बढ़िया गाड़ी है ना भाई। वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ी होती है ना, लेजेंड भाई लग रही है। और गाइस आपको शायद दिखा दो गड्डी का, कौन से वाला? अभी सामने देखो, सामने रेडी हो ना, पीछे हो जाओ नहीं तो पड़ जाएगी आपको। क्या हो रहा है यहां पर? वो गाइस आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे को ये क्लासिक गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है। बट एनीवेज GTA 5 के अंदर जिसके पास पोस्ट गाड़ी नहीं है वो GTA 5 खेल ही नहीं रहा। अभी तो मेरे को मिल एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि तू और मैं रेस लगाने वाले हैं। और ये जो तू वीली दिखा रहा है ना मेरे को, ये वीली मेरे को दिखाई है एयरपोर्ट के ऊपर। ओके तो सबसे पहले गाइस मेरे को यहाँ पर एयरपोर्ट डालना है। अरे मेरे को रास्ता नहीं पता इतना यार, मुझे पता है, फॉलो करो। ओके अगर आप गाड़ी के साथ कीप अप कर सकते हो तो फॉलो करते जाओ। अभी तेरे को बताता हूँ कि पहले कौन पहुंचते हैं। तो गाइस मैंने मैप के ऊपर डाला हुआ है और लॉग ही अपने ब्लाइंड फेथ के साथ एयरपोर्ट की तरफ पहुंच रहा है भाई। लेट्स गो, अपने उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा। और मैंने इसी के साथ ही गाड़ी ठोक दी। मैन मेरा ऑरेंज कलर के खतरनाक वाले पेंट के ऊपर एकदम से मोटे वाला दाग तो पड़ चुका होगा अभी तक। ओके यहाँ से मेरे को लेना है, यहाँ से हल्का सा लेफ्ट। और अब की बारी मेरे को ना गाड़ी नहीं ठोकनी, क्योंकि मेरे को फंडा समझ में आ चुका है, जितनी गाड़ियाँ ठोकोगे उतनी आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगी। और मेरे को अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस कतई कम नहीं करनी मैन। मैं आपको मैप के ऊपर देख रहा हूँ, क्या स्पीड आप पकड़ रहे हो यार, मैंने आते ही गाड़ी ठोक दी। लेट्स गो, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भाई, पहले बोलती है फिर भागती है फिर बात करती है, समझ रहा है मेरी बात को तू? क्या समझ गया भाई, पहुंचे? अरे मैं तो एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका हूँ, तू कहाँ पर है भाई? वो जो एयरपोर्ट के पास मैकेनिक है वहाँ पर पहुंचा हूँ भाई। तू इतनी जल्दी वहाँ पर पहुंच भी गया, वो तहल भाई। गाड़ी की क्या हैंडलिंग है ब्रो, मैं गाड़ी के बीच में से क्या निकल रहा हूँ ना, ये मेरे को ही पता है यार। ओके कहाँ पर है? मैं एयरपोर्ट की तरफ आ चुका हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ भाई, मैं बार बार गाड़ी ठोक रहा हूँ। और ये हमेशा की तरह चोबू बंदा कभी दरवाजा मेरे लिए खोलता ही नहीं है ब्रो। मेरा हैंगर है, डर रहा है ब्रो, मामा मेरा हैंगर है, दरवाजा खोल दो। एक्चुअली खुल रहा भाई, नॉर्मली ये बंदे दरवाजा कतई नहीं खोलते यार। भाई उसने आयट देख ली और उसने दरवाजा खोल दिया ब्रो, इनको काम से निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि कभी दरवाजा नहीं खोलते मेरे लिए। तो काम करते गाइस, अभी मैं फटाफट से यहाँ पे अपने हाथ के अंदर ग्रेनेड पकड़ लेता हूँ। और मेरे को पता है लॉगी इसी भी सेकंड आने वाला है, और जैसे ही आएगा आपको रेस का तो फंडा पता है। तो सबसे पहले हमको फेंकना होता है ग्रेनेड, और ग्रेनेड फटते ही हमारी रेस जो है चालू हो जाती है। तो अब की बारी मैं रेस शुरू करूंगा पीछे से। तो एक काम, मजाक नहीं कर रहा, ये गाड़ी लिटरली मुझसे कंट्रोल हो ही नहीं रही है। अरे उसे कंट्रोल करने के लिए जिगर आ चाहिए, प्लस उसे कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस चाहिए। ओके तो एक काम करते गाइस, मेरे हाथ में अभी तो ग्रेनेड तो अभी तक तो आ चुका होगा, और अगर मैं शीशा तोड़ूं, कम ऑन देन, रेडी है? रेडी हूं भाई, मैं तो एकदम से एंड अटैक, लेट्स गो। तो गाइस अगर आप मेरी साइड हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और वो तेरी भाई साहब, और अगर आप लॉगी की साइड हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एनीवे। हां तो कुछ ज्यादा ही तेज जा रहे हो, रुक जाओ ब्रो। टर्बो का कमाल है भाई, मेरे टर्बो से पंगा नहीं लेने का भाई, मेरे मतलब को बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। रियली मारी इसने, मेरी गाड़ी स्लो हो गई। ए चल बे, हारने के नए नए बहाने ढूंढ रहा है। और इसी के साथ ही गाइस मैं यहां पर एक बार फिर से यहां पर GTA 5 के अंदर मैं रेस जीत चुका हूं, और एक बात फिर से साबित हो चुकी है कि अपनी गाड़ी इज द बेस्ट। तो चलिए गाइस छोटी सी वीडियो में इतना काफी है, मेरे को बहुत
मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए एवरीवन एंड बाय बाय।